ये घटनाक्रम लंबे अरसे चल रहा है, पूरा देश वाच कर रहा है कि किस प्रकार भारी बहुमत दिया मोदी जी को, और आम जनता की उम्मीद नहीं थी कि ये जीतने के बाद में एनडीए गवर्नमेंट वाले इस पर हरकतें करेंगे, सरकार को गिराने का काम भी कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग ये कर रहे हैं, पैसे के लेन देन के माध्यम से खरीद फरोख्त कर रहे हैं ये एमएलएज की। तेलंगाना में क्या हुआ, गोवा में 10 एमएलए को ले गए और बना दिया उनको मंत्री, जिनको कल तक ये पता नहीं उनके बारे में क्या क्या कमेंट करते थे कि माफिया है गोवा के, उन माफियाओं को गले लगा लिया और मंत्री बना दिया। कर्नाटक में तमाशा देख ही रहे, तो जो कुछ हो रहा है ये पब्लिक के जहन में बैठ रहा है, आने वाले वक्त में इनके भारी पड़ेगा, इनकी खुद की पार्टी में रिवोल्ट होगा, ये मैं कह सकता हूँ। समय का इंतजार कीजिए, अंतिम विजय सत्य की होती है और ये लोग खेल खेल रहे हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का खेल खेल रहे हैं, ये मेरा मानना है। सर, दूसरे राज्यों में भी ऐसा घटनाक्रम देखने को बात कही जा रही है, इनका बस चले हिंदुस्तान भर में यही काम करेंगे, और कोई काम तो है नहीं इनके पास। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है देश की, युवा में आक्रोश पैदा हो रहा है, वादे खूब कर लिए, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी चिंता नहीं है, इनको चिंता मानसून की भी नहीं है, मानसून डिले हो रहा है देश के अंदर, राजस्थान के अंदर किसान बहुत ही आक्रोश में भी है और भयभीत भी है और चिंताग्रस्त भी है, पता नहीं क्या होगा, बरसात टाइम पे आ नहीं रही है, बुआई हो नहीं रही है, उसकी चिंता इनको नहीं है, इनको चिंता है सरकारें गिराओ, और 4 MP ले गए वहाँ पर पार्लियामेंट हैं TDP के, मिला लिया अपने पार्टी के अंदर, 1 MP ले गए सपा का ले गए, तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ देश के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं अगर कैंपेन में बोले, चुनाव कैंपेन में, कि वेस्ट बंगाल के 40 MLA मेरे संपर्क में हैं और चुनाव जीता नहीं हो इस सरकार को गिरा देंगे हम लोग, ऐसा माहौल मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी कोई पार्टी अध्यक्ष बोले समझ में आता है, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 40 MLA मेरे संपर्क में हैं, हम गिरा देंगे सरकार को, ये धमकियाँ और ये व्यवहार ये किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है, और ये घमंड अहम में मर रहे हैं, बहुत भारी बहुमत इनको मिल गया है, जनता सेनाओं के पीछे छिप के राजनीति की, इन लोगों ने छदम देशभक्ति की बात करी, राष्ट्रभक्ति की बात करी, हम सब राष्ट्रभक्ति हैं क्या, और क्या नहीं किया, धर्म के नाम पर राजनीति करी, जाते लड़वाए इन्होंने, तो ये इनका मुद्दा आधारित राजनीति के कैंपेन नहीं हुआ देश के अंदर, जीत के आ गए लोग, अब वक्त बताएगा क्या होता है।